तो ये जो एरिया है ऑस्ट्रोफ तुम्स की, ये पूरी सिटी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है एंड सबसे ओल्डेस्ट पार्ट भी है। 3, 2, 1, go. आई थिंक इंडियन ऑडियंस वुड लाइक टू नो, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इट्स रियली नॉट पॉपुलर टू डू पोल डांसिंग फॉर गर्ल्स, सो हाउ इज इट इन पोलैंड, लाइक इज इट अ स्पोर्ट, व्हाट इज इट लाइक? What's up guys, welcome back to another vlog. Actually मुझे अपनी बहुत सारी वीडियोज़ पे कमेंट आए कि मैं थोड़ी लाइफ स्टाइल वीडियोज़ भी डालूँ अपने बारे में ट्रैवल के अलावा, सो आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई. सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी अ बिट ऑफ अ लाइफ स्टाइल वीडियो इंस्टेड ऑफ अ ट्रैवल वीडियो. नेक्स्ट वीक से मैं फिर से ट्रैवल स्टार्ट कर रहा हूँ. आई एम गोना गो टू सम अमेजिंग प्लेसेस. मैं आपको वो सब तो दिखाऊंगा ही, तो मैंने सोचा इतने एक दो लाइफ स्टाइल वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए. टुडे आई हैव अ रियली स्पेशल डे अहेड. एक्चुअली मैं अपनी एक दोस्त से मिल रहा हूँ, मुझे उसके लिए एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करनी है. क्या वीडियो शूट करनी है वो आपने स्टार्टिंग में एंड थंबनेल में देख लिया होगा. एक्चुअली पोलैंड में पोल डांस एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है लड़कियों के लिए. आई नो हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से नहीं देखी जाती, बट यहाँ पर यूरोप में एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देयर कल्चर लाइक दे रिस्पेक्ट आवर्स. बट मुझे वहाँ जाने से पहले एक दो काम और हैं. सबसे पहले मुझे जाना है कार वॉश के लिए. गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है और यहाँ पर इंडिया जितनी कन्वीनियंस नहीं है कि कोई आपके लिए गाड़ी साफ़ करेगा. यहाँ आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं. तो इसी बहाने मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे खुद कार वॉश कैसे करते हैं, कितने पैसे लगते हैं, सब कुछ डिटेल में दिखाता हूँ. सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड. तो ये है वो जगह पूरी कार वॉश की. सबसे पहले मुझे गाड़ी अंदर से साफ़ करनी है और उसके लिए ऐसे ये वैक्यूम क्लीनर बने होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. इनका प्राइस है 5 मिनट के लिए 40 रुपये और 12 मिनट के 100 रुपये. आई थिंक 12 मिनट इनफ होते हैं गाड़ी अंदर से साफ़ करने के लिए. तो मैं गाड़ी साफ़ करता हूँ और आपको फिर सिटी के एक दो टूरिस्टिक पार्ट में लेके चलता हूँ. तो मुझे आपको ये दिखाना था कि हर चीज़ के लिए यहाँ पर अलग फंक्शन होता है. पहले नॉर्मल पानी से साफ़ करने के लिए, फिर टायर के लिए अलग सोप होता है, गाड़ी के लिए अलग, और फिर लास्ट में गाड़ी साफ़ करने के बाद दो टाइप के वैक्स भी होते हैं साथ में. सो गाड़ी बिल्कुल चमक गई है. मोस्टली सारे सब्सक्राइबर्स यही कहते हैं कि मैं प्राइसेस मेंशन करूं हर चीज़ के. तो अभी मुझे कार वॉश कराने के लिए लगे टोटल 400 रुपीज़ इंडियन करेंसी में. और अब मैं आपको लेके चलता हूं सिटी के कुछ उन पार्ट्स में जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और सिटी एक्सप्लोर कराता हूं. और उसके बाद मुझे जाना है अपनी फ्रेंड से मिलने फाइनली. एक्चुअली शी इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन. इवन वो इंडिया भी आई हुई है मेरे भाई की शादी में. मैंने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स इन्वाइट किए थे पोलैंड से और मैं उनको ताजमहल वगैरह भी लेके गया था. सो इट वॉज़ रियली कूल. एंड मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पोल डांसिंग को एक स्पोर्ट्स माना जाता है, प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, उसी से सारी ये बातें पूछेंगे. तो अभी मैं आपको पहले लेके चलता हूँ थोड़ी बहुत सिटी घुमाने और उसके बाद मिलवाता हूँ अपनी फ्रेंड्स से. लेट्स गो. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की ग्रेफिटी वॉल व्रॉत्सोव की. ये जो आप मेरे राइट में देख रहे हो ये पूरी यहाँ की ग्रेफिटी वॉल है. जितने भी यहाँ के स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं वो यहाँ आके इस वॉल पे पेंटिंग कर सकते हैं. और ये जो यहाँ की ग्रेफिटी वॉल है ये काफ़ी रिजेंबल करती है द बर्लिन वॉल को जो जर्मनी में है. ये ऑब्वियसली बर्लिन वॉल जितनी लंबी तो नहीं है. बर्लिन वॉल आई थिंक 1.3 किलोमीटर लंबी है एंड ये है सिर्फ 300-400 मीटर. बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये वॉल दिखाऊं बिकॉज इट लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल. वैसे तो मुझे जाना था अपनी फ्रेंड से मिलने शाम को जैसा मैंने आपको बताया था, और अभी मैं जा रहा था सिटी के एक दूसरे पार्ट में आपको दिखाने, बट उसका अभी अभी फ़ोन आया है कि शी इज़ फ्री राइट नाउ. तो अब मैं पहले वहीं जा रहा हूँ, आपको मिलाता भी हूँ अपनी फ्रेंड से और फिर वीडियो भी शूट करते हैं. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ पोलिना. She's a bit shy of the camera, so I would like to ask you a few questions. Okay, sure. First of all, when did you start pole dancing? 2.5 years ago. 2.5 years ago? Yes. And I think audience would like to know, for example, in India it's really not popular to do pole dancing for girls. So how is it in Poland? Like, is it a sport? What is it like? Now it is very popular. Okay. And many people train just to be fit. Okay. And it's
It's a sport and it's a dance. So it's like people do it instead of, let's say, going to the gym, yeah. you do pole dancing to be fit and everything. Yes, right? Exactly. Mm-hmm. So guys, mostly pole dancing yahan pe ladkiyan isliye karti hain to stay fit instead of going to the gym, because pole dancing bahut hi zyada tough exercise hai. How tough is it? Is it really tough? At the beginning it is not, okay. But later it gets very difficult. It depends on what you are going to do. And you have played one competition as well, right? Yes, only one so far, and I had second place. Second place. So she won second place in her first competition. Congratulations. Thank you. And now we're going to start recording, and main aapko dikhata hoon pole dancing hoti kaise hai. You've been to India, right? Yes, I've been to India. How would you rate the country? Like, did you like it? What was the thing which you liked the most? Because I think the most food. The most food. ये चीज़ माननी पड़ेगी कि Indian खाना सब जनों को पसंद आता है. Even यहाँ Wrocław में I think 20-25 Indian restaurant है. I've heard that Ostrov Tomski is that church, right? I'm not sure if. No. The name of the church, but of the area. Of the area, okay. I read it's the oldest part of the city. And it's the most beautiful. Yes. अभी हम हैं Wrocław के Ostrów Tumski area में. ये पूरी city का सबसे पुराना area है, and it's also the most beautiful. मेरे बिल्कुल left में है वहाँ पे Odra River, और इसके पीछे जो आप वो पीक देख रहे हो वो है पूरी सिटी का सबसे मेन चर्च जिसे कैथीड्रल कहते हैं. मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था. और अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर अपने पिज्ज़ा की. अराउंड 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम यहीं कहीं बैठ के खाएंगे. इट्स अ रियली नाइस प्लेस एंड द वेदर इज़ ऑल्सो रियली गुड राइट नाउ. ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. बिल्कुल लेफ्ट में हमारे रिवर है और यहाँ पर हम पिज्ज़ा खा रहे हैं. एंड पिज्ज़ा खाने के बाद मैं आपको मेन एरिया दिखाऊँगा Ostrów Tumski का. मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ये जो लॉक्स होते हैं ऐसे, ये इन पहले उस वाले ब्रिज पे होते थे, बट वो ब्रिज काफ़ी हैवी हो गया था तो उन्होंने उस ब्रिज से हटा दिया और अब लोगों ने यहाँ लगाना शुरू कर दिया है. सो पोलिना, यू ऑल्सो रियली लाइक ट्रैवलिंग बिकॉज आई थिंक यू आर गोइंग टू अ न्यू कंट्री ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. सो हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू बीन टू? यू नो, डू यू कीप द काउंट? आई डोंट काउंट. यू डोंट? आई ऑलवेज कीप द काउंट. या यू हैव टू कीप द काउंट. आई हैव अ स्क्रैच मैप. ओके, मी टू. बट आई डिडंट काउंट. आई थिंक यू हैव ऑल्सो बीन टू, लेट्स से, एट लीस्ट 20-25. Yeah, I think so. Right? Yeah. Okay, which is your favorite country till now? Austria. Austria? Alps. Oh, because you like skiing. Yeah. I wanted to go skiing this time. I contacted you, mm-hmm. but I couldn't. Like, I really wanted to. इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था स्कीइंग जाने का. ऑस्ट्रिया में वर्ल्ड की बेस्ट स्कीइंग होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाए क्योंकि Polina broke her toe. I contacted her because I wanted to go with her only. She's a pro. Like, I have never tried it. I did it once, mm-hmm. in Dubai in that ski resort inside. Oh, I've heard about this. But it's not good. It's not good. It was the crappiest skiing in the world. Really? Yeah, it's not nothing like you know, Austria or anywhere else. And is cathedral mein Christmas pe main jo yahan ki mass hoti hai. Europe mein jagah jagah aapko aise statues dekhne ko milenge. ये यहाँ की हिस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं कि यूरोप की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है, स्पेशली पोलैंड की. तो पोलैंड में इन लोगों ने इतने सारे ब्यूटीफुल स्टैचूज बनाए हुए हैं, एंड ये वाला स्टैचू मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ. एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और ये जो ब्रिज है, ये है यहाँ का लवर्स ब्रिज. जैसा मैं आपको भी बता रहा था कि पहले सारे लॉक्स, जितने भी कपल जो लॉक्स लगाते थे, वो इस ब्रिज पे होते थे, बट ये काफ़ी हैवी हो गया था तो गवर्नमेंट ने यहाँ से हटा के अब वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, दूसरे ब्रिज पे. मैंने ये बात आई थिंक अपनी हर वीडियो में बताई है कि पोलैंड का सबसे अनप्रडिक्टेबल वेदर है. 3 दिन पहले 1 डिग्री टेम्परेचर था, प्रॉपर कोट एंड जैकेट पहननी पड़ रही थी, और आज 20 डिग्री है. टी शर्ट में भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है. आई थिंक ये पूरी सिटी की बेस्ट जगह है वॉक करने के लिए. ये बिल्कुल ऑपोजिट है Ostrów Tumski के, जो मैंने आपको बताया था यहाँ का ओल्डेस्ट एरिया है. तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ये रिवर फ्रंट है जहाँ आप वॉक कर सकते हो. सारे लोग यहाँ पर इंजॉय करने आए हुए हैं, मतलब अपना खाना वगैरह लेके. आई थिंक पीपल कम हियर टू एंजॉय द सनसेट, लाइक यू नो, विद देयर फूड एंड एवरीथिंग. यस, एग्जैक्टली. तो ये पूरी सिटी का बेस्ट सनसेट पॉइंट भी है. All right, Polina, so it was so nice to meet you after such a long time. I think we met after how many
I think 1 year. We haven't seen each other for too long. Too long time. We should meet more often. I think if it wasn't for like all this, what is happening right now, we would meet more often. So it was really nice meeting you. Oh, thank you. Have a nice day. And I had a really nice time. Thank you so much and see you really soon. Bye. Bye. Have a great evening. Bye. Bye. तो गाइज़ मैंने पोलिना को ड्रॉप कर दिया है. आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो. आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग अ वीडियो फॉर हर. और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना. आई एम डूइंग एन अमेजिंग गिव अवे. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया एंड नाउ इट्स माई टर्न टू गिव समथिंग बैक टू द सब्सक्राइबर्स. सो आई विल सी यू गाइज इन दैट वीडियो. There's a party downtown, really hope that you're coming by.